ड्यूटी टाइम में डॉक्टरों की शराबखोरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मझगुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर शहजाद नागौरी और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह का है। कथित तौर पर यह वीडियो 6 जुलाई 2023 गुरुवार रात का बताया जा रहा है। इस वक्त डॉक्टर नागौरी के अस्पताल में नाइट में इमरजेंसी ड्यूटी थी, लेकिन वे चिकित्सालय में मौजूद न रहकर अस्पताल परिसर में डॉक्टर निवास में डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह के साथ शराब पीते नजर आए। उल्लेखनीय है कि विगत माह इसी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत रात को इलाज के दौरान हो गई थी, जिसकी जांच में पाया गया कि चिकित्सक समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचे और उचित इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद काफी विवाद हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद भी चिकित्सकों में कोई सुधार होता नजर नहीं आया। वीडियो में चिकित्सक वीडियो बनाने वालों को गाली देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। जी, मेरे संज्ञान में वीडियो आने के बाद हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर का रूम है, कोई वैसा सरकारी जो सीएचसी का कार्यालय नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह और डॉक्टर नागौरी शहजाद नागौरी यहाँ पर पोस्टेड डॉक्टर हैं। कल बीती शाम यहाँ पर शहजाद नागौरी की ड्यूटी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर यदि ऐसी जगह पर बैठ रहा है, शराब पी रहा है और कोई केस आ जाता है, तब उनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं, इसका कुछ हो नहीं है। वो डॉक्टर नागौरी किसी भी हाल में दौड़ने की तो मुझे जानकारी है, और वो उनका कमरा था, कमरे में ले रहे थे वो। ठीक है, जब अगर कोई उनके कमरे में आ गया, मन संत की बातें करेगा तो गाली दे सकता है, और उसके लिए मैं जवाबदार नहीं। भाई, अगर उनका पर्सनल मामला, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, मैं नहीं जानता। सर, ये वो ड्यूटी डॉक्टर का रूम है, ना कि पुष्पेंद्र सिंह का निजी रूम नहीं। और यदि वहाँ पर मरीज के परिजन आ करके डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर कहाँ है, तो क्या यह पूछना गलत है? क्या ऑन ड्यूटी डॉक्टर को ढूंढना और उसे बुलाना मरीज के इलाज के लिए, क्या गलत है आपकी नजर में? नहीं, मेरी बात सुने। क्या है कि इस समय नवीनीकरण हो रहा अस्पताल का, तब ड्यूटी रूम वहाँ का वो नहीं है, इस वजह से वो डॉक्टर को वहाँ शिफ्ट किया गया है। बाकी वो डॉक्टर कोटा थी पहले, यहाँ पे डॉक्टर हरेश पांडे के नाम पे कमरा अलाट था, वो डॉक्टर कोटा भी है, तो उनका हो गया है। नहीं, वो टेम्परेरी हो किया गया है, उसे मालूम क्या है कि अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहाँ का ड्यूटी रूम वो निर्माण में है, इसी तरह जो है उसको किया गया है। नहीं, वो मरीज नहीं है। आपके नशे में भुक्त होना, आप इसको किस तरह? मैं ये नहीं मानता, मरीज नहीं था, वो भी दारू खोर उन्हीं के साथ पी रहा था, उनको दारू के लिए शायद मना किया, इसलिए उनने गाली गलौज किया है, आपसी उनका झगड़ा हुआ। मुझे ये जानकारी है, लोगों ने बताया कि इस बात की ये हुआ, वो मरीज नहीं था। फरियादी खुद भी दारू उसमें तो नहीं, वो एमएससी करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए तत्काल।